वेलकम बैक टू रेस आईएएस। आज का करंट टॉपिक है ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। किसी भी देश की ऐतिहासिक धरोहरें वैश्विक स्तर पर विशिष्ट और मौलिक सांस्कृतिक पहचान की प्रत्यक्ष और श्रेष्ठतम प्रतीक होती हैं। धरोहरें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और अमूर्त। सांस्कृतिक धरोहरों में भौतिक या कलाकृतियों जैसी मूर्त सांस्कृतिक धरोहरें शामिल होती हैं। ये चल और अचल धरोहर के दो समूहों में विभाजित होती हैं, जहां अचल धरोहर में इमारतें, ऐतिहासिक स्थान और स्मारक आदि सम्मिलित होते हैं, वहीं चल धरोहर में ग्रंथ, दस्तावेज, चल कलाकृतियां, संगीत और ऐसी अन्य वस्तुएं शामिल होती हैं जिन्हें भविष्य के लिए संरक्षण योग्य माना जाता है। प्राकृतिक धरोहरों में वनस्पतियों और जीवों सहित ग्रामीण इलाके और प्राकृतिक पर्यावरण आदि शामिल होते हैं। अमूर्त धरोहरों में कृषि संस्कृति विशेष के गैर भौतिक पहलू सम्मिलित होते हैं, जिन्हें इतिहास में एक विशिष्ट अवधि के दौरान सामाजिक रीति रिवाजों द्वारा बनाए रखा गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐतिहासिक धरोहरों की क्या विशेषताएं हैं। ये सभी धरोहरें किसी भी समाज की जड़ों और उसकी गौरवशाली परंपराओं को जोड़ने का काम करती हैं। इन हेरिटेज को देखकर तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों तथा व्यवस्थाओं का सहज और यथार्थ अनुमान लगाया जा सकता है। इनके अवशेषों, अभिलेखों, इमारतों, स्मारकों, शिलालेखों आदि को देखकर सभ्यता के ज्ञात और उपलब्ध इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। ये धरोहरें अनेकता में एकता को सच्चे अर्थों में प्रतिबिंबित और प्रदर्शित करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐतिहासिक धरोहरों का आर्थिक महत्व क्या है। भावी नगर निर्माण योजना एवं विकास को सर्वोत्तम बनाया जा सकता है। इनको संरक्षित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन भी किया जा सकता है। इन्हें व्यवसायिक गतिविधियों के उपयोग हेतु अनुकूल बनाया जा सकता है और पर्यटन के संसाधनों को भी बढ़ाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत में ऐतिहासिक धरोहरों की स्थिति क्या है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश भर में ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व में 3,693 स्मारक हैं, जिन्हें केंद्र सरकार संरक्षित करती है। लास्टली अब जानते हैं कि इन हेरिटेज से रिलेटेड क्या कंसर्न्स हैं। ये स्मारक शहरीकरण, जलाशयों और बांधों के पानी में जलमग्न होने के कारण खो गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड आदि राज्यों में अनेक स्मारक अतिक्रमण के कारण लापता हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में कॉपर टेंपल, असम में तिनसुकिया में शेरशाह की बंदूकें, दिल्ली में बाराखंबा और पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बमनपुकुर किले के खंडहर गायब हो चुके हैं। आज इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। ऐसे ही करंट की न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड द रेस आईएएस ऐप। And information regarding the new batches, please call on the numbers given on the screen. Thank you for watching and have a great day.